बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। लोग मुश्किलात का शिकार है तो कोशिश करें, अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय ज़ेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ ऑफ इंडियन ट्यूटर मेडिक्स, दे आर सर्विंग दो स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19 इन इंग्लैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोस्ट स्पॉन्सर। और आज के शो की तरफ जाने से पहले, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं इस शो को, तो आप अगर 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो जल्दी से अपना शनाख्ती कार्ड निकालिए और 1166 पर आपने अपना CNIC नंबर दर्ज करके सेंड कर देना है बगैर किसी डैश के कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए। बिकॉज कोरोना वैक्सीन की वैक्सीनेशन जब तक आप नहीं कराएंगे तब तक हम इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से जान नहीं हमारी छूटेगी। तो अगर हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से जान छुड़ाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, और वो लोग जिनकी पहली डोज हो चुकी है वो सेकंड डोज की तरफ जाएं। और आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चार्ज हैं, माशाल्लाह से यूथ हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को, तो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को मोटिवेट करें और उनको सेंटर्स पर लेकर जाएं। और आप सबके लिए कि उन्हें किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उन्होंने जाकर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जस्ट अपना कार्ड प्लेस करना है और उनको उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मैसेज, फॉर लिसनिंग। और अनफोल्ड विद यासिर खान के पेज को जल्दी से लाइक कर लें, बिकॉज रोज के रोज आपके पास नई वीडियोज आने वाली हैं, नई पर्सनैलिटीज आने वाली हैं, और पाकिस्तान के जितने भी टॉप हॉट टॉपिक्स हैं हम कोशिश करते हैं टॉप एक्सपर्ट्स को लेकर आए ताकि आपके लिए उसको अनफोल्ड करें और आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करें और सोसाइटी के वो इश्यूज जिनके ऊपर बात नहीं होती बात की जाए। और हमारे चैनल को यूट्यूब पे अनफोल्ड विद यासिर खान के नाम से सब्सक्राइब करें ताकि आपकी मालूमात में हम इजाफा कर सकें। आज का जो शो है दैट वाज अ ड्राइव व्हिच आई हैव टेकन इन 14 अगस्त 2020 यूथ कंट्रीब्यूशन टू शाइन पाकिस्तान के नाम से ये ड्राइव स्टार्ट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया कि इसको सिटी वाइज अब मैं लेके चल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 20 सिटीज हो चुके हैं पाकिस्तान के यूथ कंट्रीब्यूशन टू शाइन, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लैया, बहावलपुर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो इसी तरह हर शहर से इस ड्राइव को लेकर चल रहा हूं। और आज जिस शहर की बारी है माशाल्लाह से चकवाल। ये चकवाल जो सिटी है ये नियर बाय, जो लोग इस्लामाबाद ड्राइव करते हैं, इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो रस्ते में आता है कलर कहार इंटरचेंज से हम होके इनसाइड जाते हैं, तो दैट देयर लोकेटेड चकवाल। और आज का जो शो है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन चकवाल की जो यूथ है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है चकवाल को शाइन करने के लिए, चकवाल के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, वो आपके साथ आज शेयर की जाएगी ताकि वो यूथ जो घरों में बैठी हुई देख रही है तो कहती है कि कुछ नहीं हो सकता, कोरोना आ गया है। तो देखें ये चार यूथ माशाल्लाह से, कोरोना हो या कोरोना से पहले या कोरोना के बाद, प्री एंड पोस्ट कोविड, अपनी अपनी जगह पर अपने अपने रिसोर्सेज में और अपनी अपनी कैपेसिटीज में लोगों की मदद भी कर रही हैं, लोगों को अपलिफ्ट भी कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो पैसा दे रहा है, जिसके पास टाइम है वो टाइम दे रहा है, और माशाल्लाह से जिसके पास स्किल्स हैं वो स्किल्स शेयर कर रहा है। तो आप भी जहां भी हैं जैसे भी हैं लोगों की मदद करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला का फरमान है कि देना शुरू कर दें आना शुरू हो जाएगा। लोगों को अपलिफ्ट करें, लोगों के लिए आसानियां करें, आपके लिए अल्लाह ताला आसानियां शुरू कर देगा। बहुत खूबसूरत। और आज का जो शो है हम उसको ओपन करेंगे राशिद मिन्हास। इतना खूबसूरत और ठंडा और मीठा नाम है राशिद मिन्हास, जो कि हमें कोरिलेट करता है हमारे उस जवान के साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जवान था जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और निशाने हैदर अचीव किया। राशिद मिन्हास हेल्प प्रेस चकवाल चला रहे हैं माशाल्लाह से, इनकी जबानी सुनते हैं कि ये क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। राशिद वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू यासिर भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम जी राशिद। ये हेल्प प्रेस चकवाल क्या है? सर हेल्प जैसे के नाम से जहर है, सारी दुनिया देख रही है कि हेल्प का मतलब ही मदद है, और हेल्प को भी मैंने फिर आगे से बाइफरकेट किया है, इसको हेल्प भी एक एब्रिविएशन है। सर जी एच से हेल्थ है, ई से एजुकेशन है, एल से प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, और पी से वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन है। हेल्प मदद है, और इसके अंदर भी हमने चार शोबे हमने कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह एक साल से हम चकवाल में काम कर रहे हैं, पहले इंडिविजुअल लेवल पे हम काम, जी पहले इंडिविजुअल, जब से कोविड आया है अल्लाह पाक ने बस हिम्मत तौफीक दी है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह 99 प्रोजेक्ट्स हो गए चकवाल में अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इतना खूबसूरत। अच्छा थोड़ा सा ये जरूर गाइड कीजिए कि किस तरह का रिस्पॉन्ड है लोगों का जब आप अपने इस विजन को लेके जाते हैं फील्ड में,
लोगों के साथ मिलते हैं, तो और आपकी जो टीम है जरूर उनके नाम भी ले लीजिए ताकि उनको बिल्कुल हम सही, एक्नॉलेज कर सकें। ठीक है। अच्छा सर जी, मैं शाम को भी हम दोस्त अहबाब बैठे हुए थे, एक जगह मीटिंग थी, तो ये अहबाब से हम कह रहे थे कि डोनर्स की कमी नहीं है, देने वाले बहुत हैं, उन लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हमने एक प्लेटफॉर्म देना है और एक ट्रस्ट डेवलप करना है लोगों का कि हाँ अच्छे लोग मौजूद हैं जो लोगों की मदद कर सकते हैं। खूबसूरत, मैं अपने काम की तरफ हूँ, तो अपने काम के लिए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 80 के करीब मेरे पास रजाकारों की टीम मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यंगस्टर्स हैं सारे सारे। माशाल्लाह, तो उसमें यह है कि जो हम प्रोजेक्ट चकवाल में कर रहे हैं उसमें यह है कि हम किसी भी बंदे का जो इशू होता है वो उसकी वीडियो 2 मिनट की बना के हम उसको नाम और चेहरा छुपा के, चेहरा ब्लर करके, नाम छुपा के वाओ, अवाम को दे देते हैं। जो भी ब्यूटीफुल, इस बंदे का इशू है, और फर्ज करें एक व्हील चेयर का इशू है, तो हम उस बंदे की डिमांड बनाते हैं कि ये रिक्वेस्ट है, ये मजदूर है, इसके घर हम आए हैं तो इसको व्हील चेयर चाहिए। तो चेहरा ब्लर और नाम नहीं बताना, किस गाँव में है, किधर है, ये भी नहीं बताना। डोनर को हम कहते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट इनसे रब्ता करना है तो हम आपका इनसे कोऑर्डिनेशन करा दें, आप डायरेक्ट रब्ता करें, डायरेक्ट इनको डोनेट करें, हमें हम आप से डोनेशन नहीं दे रहे। अगर आप हमें जामन बनाते हैं तो आपकी दी हुई अमानत इनशाला इन तक पहुँच जाएगी। और सर जी, वाह अगर 15,000 की व्हील चेयर है तो हम जो ही 15,000 रेंज होता है तो हम उस प्रोजेक्ट के लिए अगर 1 लाख भी बंदा दे दे तो उसमें हम एक्स्ट्रा डोनेशन किसी भी प्रोजेक्ट में हम नहीं लेते। जो ही पंद्रह वाह, हज़ार पूरा होता है तो हम उसको क्लोज करके हम बाकी बाप को कहते हैं कि अगले प्रोजेक्ट का इंतजार करें। और इसमें यह है कि प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म है, और 99 प्रोजेक्ट्स हमारे लोगों को, हम राशन कम दे रहे हैं, अभी राशन हम दे रहे हैं झुग्गियों वालों को, और उसकी भी एक माशाल्लाह रीज़न है। रीज़न है मेरे पास 70 बच्चे सर यतीम गरीब अपने घर में पढ़ रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जगह वक्फ की हुई है। तो इन झुग्गी बांध बच्चों के लिए उनसे मीटिंग हुई मेरी, तो वो कहते हैं कि हमने तो इन बच्चों से, जो 5 साल का बच्चा है ये तो हमारे लिए कमाई करेगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, ये 5 साल का बच्चा क्या कमाई करेगा? मुझे बड़ी शॉकिंग हुई कि 5 साल का बच्चा ये कह रहे हैं कमाई करेगा। फिर उनसे थोड़ी तफसीली मीटिंग हुई तो वो कहते हैं कि ये अपना जो है ना हाथ पिलाएगा लोगों तक, तो शाम को 200-400 रुपया लेके आएगा, तब हमारा किचन चलेगा। तो उनसे हमने ये सर डील की। अब जो 70 बच्चे हो गए हैं उसमें मिक्स अप है, यतीम है, गरीब है। मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल में पूरे में अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसका भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली साथ माशाल्लाह, बैंकर भी हूँ, बैंकिंग भी कर रहा हूँ 12 साल से। तो ये वाह मल्टी माशाल्लाह, पर्पज काम है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन यतीम जो जो बच्चे हैं झुग्गियों वाले, उनको हम ये कह रहे हैं कि आपने 1 मंथ जिसकी अटेंडेंस पूरी होगी तो उसके घर वालों को हम राशन राशन डोनेट करते हैं। उस झुग्गी वाले को राशन मिलता है जिसका बच्चा पूरा महीना हमारे पास पढ़ने आता है, तो वो इस लालच ब्यूटीफुल। पे भेज देते हैं जी सर। नहीं, ये बहुत खूबसूरत है। देखिए, जब तक राशिद ऑनरशिप नहीं होगी ना, आप वो किसी भी तरीके से ऑनरशिप लोगों को दिलवा सकते हैं, बिकॉज हमारे जो पाकिस्तानी हैं इनको ब्लेम गेम की बहुत ज्यादा आदत है कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती, और ये आपने बड़ी यस खूबसूरत ऑनरशिप उनके पॉकेट में डाली हुई है कि बच्चा रेगुलर होगा, आपका राशन राशन रेगुलर होगा। बहुत राशन, खूबसूरत है। तो आम सर जो लोग होते हैं ना, ये जो मैं कहता हूँ ये जो हैबिचुअल होते हैं, या सोशल एक्टिविस्ट भिखारी भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट बाकी भाइयों को भी हम कहते हैं जो आपको लाइक कमेंट भी करते हैं, राशन भी मांगते हैं, उनको सर हम राशन नहीं करते। मैं ब्यूटीफुल, राशन एक इमरजेंसी रिलीफ है जो 10 दिनों के लिए तो किसी को दिया जा सकता है, लेकिन सारी जिंदगी का ठेका किसी का हम नहीं उठा सकते, अल्लाह ही नो, पूरी बिल्कुल करे। बिल्कुल हम उनको कहते बिल्कुल, हैं कि आप रेडी लगाएं, हम आपको रेडी लगा के देते हैं, आप शॉप बनाएं, आप शॉप आपको बना के देते हैं। खवातीन ब्यूटीफुल, है उनको हमने सिलाई मशीनें घर में सिस्टम बना के दिया, लेडीज को हमने गार्मेंट्स का वाह घर में सिस्टम, बेवा जो है वाह, उनको हमने, हमारे यूट्यूब चैनल है एल प्लस पाकिस्तान। ये बड़ा जबरदस्त जबरदस्त, हर ट्रस्ट पाकिस्तान इनका यूट्यूब चैनल है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये जो इनका जो मिशन है उसको थोड़ी एनर्जी मिले। और साथ के साथ मैं भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, अगर वो इनके साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो राशिद मिन्हास अपना डिटेल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि लोग इनके साथ कनेक्ट हो सकें। चाहे वो अपना टाइम देना चाहें टाइम दे लें, चाहे वो फाइनेंसिस के थ्रू हो, चाहे अपनी स्किल्स के थ्रू हो, तो लोगों को ये क्यों करना चाहते हैं। और राशिद, बड़ा खूबसूरत आपका विजन है कि आप थैंक यू लोगों को सर। मछलियां नहीं दे रहे, इनिशियली दे रहे हैं लेकिन मछली पकड़ने का तरीका भी बता रहे हैं ताकि वो जी जी सेल्फ सस्टेन हो, एम्पावर हो, उनको आप जो है उस डिप्रिवेशन से निकाल रहे हैं और उनको एम्पावर करें। बहुत खूबसूरत राशिद बिल्कुल मिन्हास, सर बहुत जी शुक्रिया। बिल्कुल, अनीसा, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अनीसा, आपको आवाज आ रही है? आप अपना माइक टेस्ट कीजिएगा प्लीज। अनीसा,
अनीसा आप स्टॉप कैम करेंगी तो आपका माइक क्लियर हो जाएगा, चेक कीजिएगा, आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। अनीसा क्या आप मुझे सुन सकती? अनीसा प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लें, आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मीनवाइल फरहान राजा जी, फरहान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू द शो फरहान राजा। क्या क्या इनिशिएटिव माशाल्लाह से चकवाल की यूथ में से, आप भी यूथ हैं माशाल्लाह जो चकवाल को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं, तो आपके माशाल्लाह से जो भी इनिशिएटिव हैं प्रमोटिंग टूरिज्म इन चकवाल, तो थोड़ा सा वो शेयर कीजिएगा। सर मैं 2012 से बेसिकली फर्स्ट टाइम से टूरिज्म शुरू की थी और उसके बाद कंटिन्यू 3 साल तक तो वही पॉइंट्स देखे हैं जो मतलब पब्लिक ने आम देखे हुए थे उन्हीं पॉइंट्स पे, लेकिन उसके बाद जाके समझ आई है कि कुछ नया भी आया, कुछ नया किया जाए, कुछ नया देखा जाए, तो तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो बाद में नए देखे हैं तो उन पे अच्छा, पहुंचा हूँ। आप अब्दुल्ला और आप मिलके टूरिज्म की तरफ गए हुए हैं, कैसे है या आपकी कोई और टीम है? नहीं बेसिकली मेरी कोई टीम तो नहीं है, मैं सेपरेट खुद अकेला ही निकलता हूँ, साथ में कोई दोस्त मिल गया तो मोस्ट वेलकम। अभी अब्दुल्ला भाई के साथ चांस नहीं मिला, इंशाल्लाह कभी इनके साथ भी चलेंगे, फिलहाल सेपरेट है। अच्छा इस टूरिज्म की प्रमोशन की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है और इमरान खान का ये विजन भी है कि पाकिस्तान को टूरिस्ट कंट्री बनाना है, तो अगर आप कुछ साइट ऐसी हैं जो शेयर करना चाहें जो आपने खुद एक्सप्लोर की और अभी तक लोग देंगे, इसके बाद मैं अब्दुल्ला की तरफ आऊंगा। जी बिल्कुल, काफी सारी हैं चकवाल के लेवल पे, तो अगर आप बात करें सिर्फ पानी के चश्मों की तो साल्ट रेंज के अंदर जो है वो तकरीबन 15 के राउंड अबाउट मैंने चश्मे देखे हुए हैं जिन पे काफी बड़ा पानी है, ठीक फ्लो भी पानी का उनका काफी ज्यादा है, लेकिन आवाम जो पब्लिक है हमारी वो उनमें से स्वेक लेक और नीलावान को ही जानती है, लेकिन इसके अलावा डलवाल के करीब है वो भी काफी बड़ी जगह है, सिक्की लेक है वो अभी कम लोग उस पर जाते हैं, अभी अभी वो उस पर जाना लोग शुरू हुए हैं, एक पटपाटी डान के नाम से है ढरियाला कौन गाँव है उसके करीब है, तो इसी तरह ये पानी वाले चांद एक मकाम आते हैं, उसके अलावा डैम्स हैं चकवाल में, स्मॉल डैम्स काफी ज्यादा हैं जिनका अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। हाँ अच्छा फरहान, ये आपके अंदर ही टूरिज्म की और लोग इसे सादा जबान में पंजाबी जबान में कहेंगे लूर लूर फिरने की आदत कैसे डली गई? सर वो ऐसे ही मिली है कि मैं जब 2012 में फर्स्ट टाइम स्वेक लेक पे गया था तो जो कुदरती हुसन उस टाइम उसका था वो अब अगर अभी जाऊँ तो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, तो वो जो फर्स्ट टच था ना नेचर का, तो नेचर को देखने का और कुदरत को देखने का, बस उसके बाद फिर शौक हो गया है, और उसके अलावा ज्यादा मजा इस बात में है कि कोई भी नई चीज ऐसी देखी जाए जिस पे पहला कदम हमारा हो, वाओ तो उसी को फिर एक्सप्लोर किया जाए, उसको फिर एक्सप्लोर किया जाए, सामने लाया जाए पब्लिक के, और फिर और ज्यादा खुशी होती है जब हमारे बाद हमें देख के कोई और वहां पहुंचता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप उसको एक्सप्लेन और अनफोल्ड कर रहे होते हैं पब्लिक के सामने कि ये चीज हमने एक्सप्लोर की है, और क्या खूबसूरती है, देखें एक चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला कहता है कि ये सब खजाने हैं छुपे हुए, इसको तलाश करो, और यू आर द पीपल वन के जो लोगों के लिए उसको अनफोल्ड करते हैं, लोगों के लिए उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसके लिए रास्ता बनाते हैं, तो कहते हैं जो लोग रास्ता बनाते हैं अल्लाह ताला उनके रास्ते आसान कर देता है। बहुत खूबसूरत फरहान राजा। अनीसा आपका जरा माइक चेक कीजिएगा, माइक टेस्ट कीजिएगा प्लीज प्लीज जी, चेक कीजिएगा। हेलो अनीसा, अनीसा आपको आवाज आ रही है? अनीसा का आई थिंक सो, अनीसा आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, दोबारा ज्वाइन कर लें। जाहिर आपको आवाज आ रही है? जी सर मुझे तो आवाज आ रही है, बड़ी क्लियर आवाज आ रही है। माशाल्लाह आपकी आवाज भी बहुत क्लियर आ रही है हमें, और कहते हैं क्लीन लाइक विसल की तरह आपकी माशाल्लाह से आवाज आ रही है। वाय मैं लोगों को बताना चाहूँ कि जो जाहिर है माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उर्दू पॉइंट के साथ ये काम कर रहे हैं, और जो बहुत वेल रिनाउंड है, एंकर पर्सन भी हैं, राइटर भी हैं, टूरिज्म का भी शौक है, तो ये जितने भी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे फिरने तुरने वाले हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं माशाल्लाह से, तो जाहिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और क्या कहेंगे हमारे यूथ को कि किस तरह वो कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में। जाहिर आपकी आवाज कट रही है, मुझे सही नहीं आ रही है, आप सबको भी सही नहीं आ रही जाहिर की आवाज। अगर सही नहीं आ रही तो इस तरह कर दीजिएगा,
नहीं सही आ रही आवाज जाहिर की? ओ माय लॉर्ड, जाहिर अगर आप अपना स्टॉप कैम करेंगे तो आपकी आवाज क्लियर हो जाएगी। हाँ आप बात कीजिए। आई एम अफ्रेड जाहिर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, अगर आप दोबारा ज्वाइन करो तो हमें दोबारा किक स्टार्ट करते हैं, नो वरीज। अब्दुल्ला आप मुझे सुन सकते हैं? अब्दुल्ला, ख्वाजा अब्दुल्ला, चौधरी मोहम्मद अली, अब्दुल्ला आपकी आवाज कट रही है, अगर आप अपना कैम स्टॉप कर लें और दोबारा ज्वाइन कर लें। जी जी आप बात कीजिए अब्दुल्ला। अगर अब्दुल्ला आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें तो कुछ बेहतर हो जाएगा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही और नाज़रीन जो बड़ी पैशनेटली आपको सुनना चाह रहे हैं क्लियर नहीं हो पा रही। जाहिर ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। जाहिर जी सर अब आ रही आवाज मेरी आपको? जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज आ रही है, एंकर पर्सन तो फिर बोलता है तो पता लगता है। जी एंकर पर्सन जाहिर महमूद बताइए क्या सर, आपकी कंट्रीब्यूशन है? सर थैंक यू सो वेरी मच। मैं 2012 से एक्सप्लोर कर रहा हूँ मुख्तलिफ जगह और लाहौर चूंकि होता हूँ 2012 से ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे रह के मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया है। चारों सूबों में जाके मैंने रिपोर्टिंग भी की उर्दू पॉइंट पे, 10,000 जाहिर आपकी आवाज फिर चली गई, आई एम अफ्रेड आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपना अगर कनेक्शन चेंज करके देखें इंटरनेट का तो फिर उससे कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा फरहान आप माशाल्लाह से चकवाल को एक्सप्लोर भी कर रहे हो, तो हबीब अहमद लगारी हैं डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरह प्रमोट किया जा सकता है जो चकवाल की साइट्स हैं, स्पेशली सून वैली की अगर बात की जाए। सर सून वैली में तो काफ़ी सारा काम बेहतर है, पहले भी काफ़ी अच्छा था और अब तो निज़ाम मजीद बेहतर हो गया कि एक तो उन्होंने साइन बोर्ड जो लगाए हैं वही बहुत सारा को मदद कर देते हैं, कोई भी नया बंदा आ रहा है उसके लिए तो उन्होंने तो काम इसलिए काफ़ी किया हुआ है। राज यासर साहब का भला हो गया जब से वो आए हैं, तो चकवाल में भी काम काफ़ी बेहतर हो गया है। इसी तरह मजीद अगर इन पॉइंट्स तक आसानी वाला रास्ता बना दिया जाए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर आसान रास्ता नहीं है और रास्ते की गाइडलाइन नहीं है, साइन बोर्ड सिर्फ उन पॉइंट्स के लगे हुए हैं जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, मेन मेन लेक्स हैं 2-3 बस उनके लगे हुए, तो ये सबसे इजी है कि उनका जो वे है वो से क्लियर हो और उनके वे के ऊपर साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हों जिसके लिए बाहर वाले बंदे को आने में आसानी हो। उसके अलावा गूगल मैप पे तो मैं उसे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। अगर कोई नया बंदा उसे गूगल मैप के जरिए एक्सेस करना चाहे तो वो भी इजी हो जाएगा उसे। जबरदस्त जबरदस्त, ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप साइट्स को पिन कर देते हो जिससे लोगों को लोकेशन ढूंढने में आसानी हो जाती है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब्दुल्ला सर अपना माइक टेस्ट कीजिएगा। अब्दुल्ला की आवाज नहीं आ रही। चौधरी मोहम्मद अली आपने ज्वाइन कर लिया हमें? चौधरी मोहम्मद अली आप अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिएगा। अब आ रही आवाज आपको? जी अब्दुल्ला आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अली मैं आपको बात में लेता हूँ। अच्छा मैंने आपका एक्टिविस्ट से हटा के पीस ट्रैवलर रख दिया है, क्योंकि माशाल्लाह से आप चकवाल को बड़े अच्छे तरीके से जैसे फरहान ने बताया आप अनफोल्ड कर रहे हैं और साथ के साथ कुछ साइट्स जो आपने अनफोल्ड किए हैं मैं साथ के साथ वो भी शेयर करता चलूंगा और आप बताते जाइएगा ये क्या क्या है। ये बाबा फरीद केव दिखा रहा हूँ सबसे पहले, तो ये क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हेलो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आपकी आवाज चली गई। हम जी अब्दुल्ला बात कीजिएगा। अब्दुल्ला आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको डेटा पे कन्वर्ट कर लें तो उससे कुछ आवाज बेहतर हो जाएगी। अली अपना माइक टेस्ट कीजिएगा जरा। हेलो अली आप भी क्लियर नहीं है, आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही, आप दोबारा अगर ज्वाइन कर लें। जाहिर जाहिर आप हमारे साथ हैं या आठ हैं?
जी सर, मैं आपके साथ ही हूँ। और अब आज आवाज हम क्लियर बोल नहीं है? पा रहे। जी जी क्लियर है, बताइए, आपकी एक्सप्लोरेशन की बात हो रही थी। मैं ये बता रहा था कि फिर मैंने जब पूरा पाकिस्तान तकरीबन चारों सूबों में मैंने सारा कुछ काम किया, तो फिर आखिरकार माशाल्लाह, मैंने ये सोचा कि उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे मैं चकवाल की डॉक्यूमेंट्री जाहिर है, आई एम अफ्रेड आपकी आवाज फिर चली गई है। आपको आवाज आ रही है जाहिर की राशिद, आपको आवाज आ रही है? नहीं। ऐसे ही ऐसे? नो, जाहिर आपकी आवाज चली गई है, नहीं आ रही आवाज आपकी। अब्दुल्ला आपने दोबारा ज्वाइन किया है? नहीं, अब्दुल्ला भी नहीं है। अली, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप ऑडिबल हैं, बात कीजिए। हेलो, अली अली अली, आप क्या मुझे सुन सकते हैं? अली, हम आपको सुन नहीं पा रहे, अब्दुल्ला भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आई डोंट नो, ये इंटरनेट का बड़ा सवेर इशू आया हुआ है आपकी तरफ ना। चकवाल में, अच्छा राशिद आपसे बात करते हैं, चकवाल में क्या इंटरनेट का वो क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और किस तरह यूथ इसको ले रही है आजकल की एक्टिविटीज को? बिकॉज अब तो टोटल डिजिटलाइज हो गया है ना सिस्टम। एक मिनट, आपका माइक अनम्यूट कर दूं। जी, अब बात कीजिए। जी जी सर, जिन्होंने तो यू फोन की सिम्स रखी हुई है उनका इशू है, और जिन्होंने अच्छा टाइनार की रखी हुई है उनका इशू नहीं है। आज के बाद मेरे दोस्त ले लेंगे टाइनार की सिम। अब्दुल्ला जी, आपके पास अब टेलीनॉर की सिम है, मुझे क्या प्रमोशन की तरफ लगा रहे हैं? बड़ी टेलीनॉर जरूरी की है। सिम है तो उसके थ्रू कनेक्ट हो जाएं। जी, अब बात कीजिए अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आपकी आवाज पे चली गई, आई एम अफ्रेड, क्या करें क्या स्टार्ट करें। किया जी, बात कीजिए अब्दुल्ला, तो अब आवाज आ उसमें रही है। आ रही आवाज आपको? जी 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 तो उसमें हमने मिलियन स्माइल्स के साथ मैच, चूंकि एज ए सिटी लीड था, तो हम मिलियन स्माइल्स के टीम थी, उसमें जाहिर भाई भी थे और चकवाल में मेरे दीगर दोस्त थे। हम लोग खुद उस चकवाल की हिडन साइट्स को एक्सप्लोर करते थे। अब जो पिक्चर में आप अच्छा जी जी दिखा रहे हैं, बाबा फरीद की केव है, ये भी चकवाल का बड़ा खूबसूरत एक विजिटिंग पॉइंट है। बाबा फरीद एक बड़ी मुकदस यहाँ बस्ती थे, उन वो यहाँ पे चला करते थे, तो अभी भी दूर दूर से जो उनके फॉलोअर्स हैं वो आते हैं यहाँ। अच्छा अब्दुल्ला, थोड़ा सा ये भी लोगों को बताइएगा कि ये इसकी लोकेशन क्या है, और कितना कहाँ से कितना ट्रैवल बनता है जो लोग वहां अगर जाना चाहते हैं, और जमीनी है, बाइक का ट्रैवल है, गाड़ी का ट्रैवल है, या सिर्फ पैदल रास्ता है, कैसा है? अब्दुल्ला, आपकी आवाज कट गई है, दोबारा ज्वाइन करें क्या करें? फरहान, आपने ट्रैवल किया हुआ है यहाँ? अब्दुल्ला, एक मिनट, जी आपने ट्रैवल किया हुआ है इधर? हाँ जी यासर भाई, किया हुआ है ट्रैवल। चलो, और आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें, अब्दुल्ला जैसे दोबारा ज्वाइन करते हैं ना तो वो भी फर्दर बाकियों को एक्सप्लेन करेंगे। जी, हाँ ये जी, कहाँ है और क्या ये लोकेशन है कलर का इसका? आर्मी है, कलर का आर इंटरचेंज से अगर आप उतरे तो बिल्कुल साथ ही है, वहां से हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पे है। तो इसका साइन बोर्ड भी लगा हुआ है मेन रोड के ऊपर, वहां से टर्न करके मोटरवे के नीचे से क्रॉस करके आगे से कच्चा रास्ता जाता है नीचे चश्मे तक। तो नीचे एक चश्मा है अच्छा। उनका, वो भी इन्हीं से मंसूब है, बाबा फरीद से, और उस राइट। चश्मे के पास से फिर आगे जो है वो हाइकिंग है। तो हमारे लिए तो वो 20-22 मिनट की हाइकिंग है, लेकिन ये है ठीक कि है। अगर बंदा जरा शहरी बाबू है तो उसके लिए शायद थोड़ी वो जो है ना वो आधे घंटे तक चलना पड़े। तो ऊपर ऑल ये जो राइट घर है ये चंद मरले की समझे, एक घर की तकरीबन जगह जितनी है घर है। तो ये ठीक जो है। इसकी साइड है ये दूसरी साइड है, एंट्रेंस से हटकर एक एंट्रेंस है और एक एग्जिट है, एक तरफ से ठीक एंटर हो है, दूसरी तरफ से एग्जिट हो जाए इसी साइज में। वेरी राइट वेरी राइट। तो अब ये इसका एग्जिट है। अच्छा, हाँ मुझे ये बताएं कि इसका जो रूट है वहां कोई फैसिलिटी दी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं दी हुई। अच्छा, आप लोगों ने माशाल्लाह हाँ से इसको एक्सप्लोर किया है, अब्दुल्ला ने वैसे ज्वाइन तो कर लिया। अब्दुल्ला, माइक टेस्ट करना अपना जरा। जी, आ रही आवाज आपको? बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। मुझे ये बताओ कि इसके लिए क्या प्रमोशन के लिए क्या किया है माशाल्लाह से, ये अगर आपने जी इसको जी एक्सप्लोर किया है तो? जी, अभी जो आप बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के हवाले से, अभी जो करंट हाँ गवर्नमेंट इमरान खान
आपको आवाज आ रही है फरहान? जी जी नहीं आ रही आवाज फरहान को। जी जी आवाज की आवाज आपको जी जी जी, जी, जी आ रही है। तो इससे पहले ना सिर्फ कटास और कलर का हार ही को सिर्फ टूरिज्म डेस्टिनेशंस दिया जाता था चकवाल में से। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है उसने को चकवाल के जितने भी लोकेशंस थी, चकवाल की हो गई साथ जेहलम के हो गए, क्योंकि पहले ये एक ही कंबाइंड जिला था। तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने, चूंकि इमरान खान का पर्सनल इंटरेस्ट है और गवर्नमेंट का, तो उस हवाले से यहाँ पे लिया गया। राइट हो गया, राइट हो गया। अच्छा ये तस्वीर में एक और चेंज हुई है लोकेशन, डाक चौकी, ये क्या चीज है थोड़ा सा इसका भी एक्सप्लेन करें। इस लोकेशन का बचा मुझे नहीं, मस्जिद है ये पर फरहान भी इसका बता सके। ये दलवाल बंगला। जी 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 इसको ये दलवाल। जी जी दलवाल कटास के साथ ये बड़ा खूबसूरत गांव है, मेरा भाई गांव भी है खैर वो। तो वहां पे ये अंग्रेज दौर का बनाया हुआ ये बिल्डिंग है, बारह दरी स्टाइल की बिल्डिंग है, बंगला इसके साथ ही, वहां पे उस साइड पे कुएं हैं। तो उस हवाले से जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन थी अंग्रेज दौर की वो, तो इसकी अब्दुल्ला इसकी रेनोवेशन पे या किसी उन चीजों पे काम हुआ है या वैसे वीराना पड़ा हुआ है अगर टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए? अब्दुल्ला आपकी आवाज फिर चली गई है, आई एम अफ्रेड। फरहान आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप ऐड कर सकते हो अब्दुल्ला, अभी दोबारा कनेक्ट कर लें तो वो बेहतर हो जाएगा इनके लिए। जी फरहान ऐड कीजिए। डलवाल बंगला डलवाल गांव के साथ पीछे जंगल में है। असल में यहाँ चकवाल में एक इशू ये भी काफ़ी सारा है कि बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स जो हैं सियासी, वो गवर्नमेंट जो है उसे ओन ही नहीं करती, मुख्तलिफ इदारे हैं उनके अंडर है। तो ये भी टैक्स कलेक्टर जो इदारा है ना बेसिकली ये उनके अंडर है, तो उन्होंने इस वजह से इस पर कोई रेनोवेशन नहीं की और गवर्नमेंट की नज़र में भी शायद अभी तक ये नहीं आई। तो माइन बहुत ज्यादा है तो उसी माइन का एरिया है, अगर उसी माइन की तरफ आप जाएं तो रास्ते में ये आता है। राइट हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट ये क्या है जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ये दरबार है? हाँ जी ये कलर का हर वाला दरबार है सखी आऊ बाऊ का, और उसके ऊपर से ना दूसरी तरफ जाएं ऊपर एक और दरबार है, उस दरबार से ये पिक्चर ली थी मैंने। ब्यूटीफुल। अच्छा ये तो झील के ऊपर एक बड़ा मेन पॉइंट है। ये हवेली महाराजा ये कहाँ है? ये सर गुजरांवाला सिटी में। तो अच्छा, मेरा तो ये कि जहाँ भी, हाँ जी मैं जहाँ भी जाता हूँ तो साथ घूम फिर लेता हूँ हल्का फुल्का। नहीं 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 ठीक है ठीक है। अच्छा ये है जंज घर भून, ये क्या चीज है? ये सर भून के अंदर एक इमारत है, अब तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो अच्छा। इसमें बकायदा एक रिहायश है। और तो ये इतनी पुरानी इमारत कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकती है? तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है? बाहर चंद दुकान इलाके में बनाया जाता था, कोई भी जो वो रहती थी। जी जी अब्दुल्ला थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ये जंज घर भून को। अब्दुल्ला जी जी अब्दुल हाँ ये इस बिल्डिंग को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा और ये कहाँ है? नहीं सॉरी अनफॉर्चूनेटली ये बिल्डिंग भी मुझे इसका आइडिया नहीं है, ये भी अच्छा। मैंने विजिट नहीं की ये। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये 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 है कोई मलकाना जी, मंदिर जी जी ये कहाँ है? जी जी ये मलकान जी जी ये मलकान अब्दुल्ला आपकी आवाज फिर चली गई है। फरहान जी 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 कैरी ऑन कीजिएगा। सर ये मलकाना मंदिर जो है ये भी इसी डलवाल गांव से रास्ता जाता है मलकाना की तरफ और ये बिल्कुल सड़क के साथ ही है, जैन दौर का मंदिर है ये और इसी के साथ एक पानी का चश्मा भी है जो पहले तो खुश्क हो गया था लेकिन आज चल रहा है, तो उस पर एक बड़ा प्यारा पाउंड है साथ ही नहाने वालों के लिए और उनके लिए। ये है कि गवर्नमेंट ने अब इस पे भी साइन बोर्ड वगैरह लगा दिया है, अब गवर्नमेंट अच्छा। इस पे कुछ शायद ध्यान दे ले लेकिन अभी तक कोई खास साइन बोर्ड लगने के अलावा और इस पे कोई रेनोवेशन वगैरह पे काम नहीं हो। राइट तो ये कितना अरसा हाँ। पुराना है और क्या इस पे जो हिंदू हैं वो आते हैं अपनी इबादत के लिए, क्या सिनेरियो?
नहीं इबादत के लिए क्यों नहीं कोई नहीं आते, क्योंकि इसकी जो है ना वो सिर्फ यही साइडें दो बची हुई हैं, बाकी जो दूसरी दो साइडें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। मतलब ये इमारत की सिर्फ साइडें खड़ी हुई हैं, छत नहीं है, तो इस वजह से करके आता कोई नहीं है। बाकी पुराने होने के लिहाज से इसका ये हिस्ट्री जो है वो सही किसी को भी नहीं पता, सिर्फ वो एक दौर बताया जाता है कि ये उस दौर का है। अच्छा अब्दुल्ला आपने दोबारा ज्वाइन किया है, जी जी जी। अच्छा ये मलूक मंदिर है, आ रही आवाज आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही है। ये 10वीं सदी में राजा मल खान ने तामीर, फरहान आवाज आ रही है अब्दुल्ला की? नहीं अब्दुल्ला आपकी आवाज चली गई। अच्छा मुझे आप सबकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, यही तो रोल है ना, आपकी आवाज चली जाती है। अच्छा बात कीजिए। तो ये 10वीं सदी में राजा मल खान ने बनाया था। राजा मल खान की जो उस टाइम की रियासत थी वो उस टाइम एक ना सिंबल ऑफ पीस थी, मतलब यहाँ पे इंटरफेथ हार्मनी भी उस हवाले से इनकी रियासतों में बहुत ज्यादा देखी जाती थी। पब्लिक के साथ डीलिंग, अपनी रियाया के साथ इनका जो बर्ताव होता था, जो उधर के असूल होते थे, लगान जिस तरह लिया जाता है, जो भी एक ना बड़ा पीसफुल। अच्छा इसकी थोड़ा सा आवाज आ रही है, आर्किटेक्चरी को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि इतना खूबसूरत और डिटेल वर्क हुआ हुआ है, और थोड़ा सा इसका वो भी बताइएगा लोकेशन कहाँ है इसकी? नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आई एम अफ्रेड आपकी आवाज नहीं आ रही। फरहान अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें। हाँ जी, ये कश्मीरी तर्ज तामीर में बनाया गया मंदिर है, और इसके लिए जो रेड स्टोन यूज हुआ है वो नीचे साल्ट रेंज का जो एरिया ना उसमें से लाया गया। बेसिकली ये जहाँ तामीर हुआ है वहाँ पे सारा जिप्सम वाइट कलर का स्टोन है, ये रेड स्टोन जो है ये नीचे साल्ट इसी के करीब एक साल्ट रेंज का एरिया उससे लाया गया। तो आप लोकेशन का कह रहे थे, लोकेशन जो है ये कलर घाट से तकरीबन 22 किलोमीटर बनता है। कलर घाट से आप आगे आएंगे पैदल जाने का ट्रैक है? जी नहीं, इसका गाड़ी का है, इसके बिल्कुल पास तक गाड़ी की एक्सेस है। और फिर अगर बारिश के बाद जाएं तो यहाँ से जो व्यू पॉइंट आएगा वो बहुत मजे का है, जबरदस्त। इसके बाद जो मैदानी इलाके का व्यू पॉइंट है, ये तो अच्छा। ये मस्जिद अब्दुल रहमान बनाई गई है, ये किस जगह है? ये मस्जिद मोटरवे के साथ है, कलर कहार से जो भरपूर रोड जाता है उसके ऊपर है। तो बेसिकली ये एरिया तैयार किया जा रहा था, प्राइवेट एक फार्म थी उनकी तरफ से, टूरिज्म टाइप ही एक बनाया जा रहा था एरिया, लेकिन बाकी इसकी सिर्फ एक मस्जिद ही तामीर मुकम्मल है, बाकी एरिया तो अभी कंस्ट्रक्शन रुक गई थी शायद किसी वजह से, ये नहीं पता कि वो रुकी क्यों थी। तो अच्छा ये नीला वाहन चश्मा है, ये क्या है? ये भी एक चश्मा है, चकवाल के फिलहाल जो दो मशहूर चश्मे चल रहे हैं, स्वेक लेक और नीला वाहन, ये उनमें से एक है। तो ये है भुछाल वाली साइड के ऊपर, कलर कार से ऊपर मुनारा और भुछाल वाली साइड पे जाए तो वहाँ है। अच्छा, और हाँ इसका ट्रैक कैसा है थोड़ा सा लोगों को बताइएगा, और यहाँ कोई रिजॉर्ट या कोई गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी दी हुई है इसको प्रमोट करने के लिए या लोगों की सपोर्ट के लिए? नहीं सर, गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ कोई खास फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ पार्क है, वो भी लोकल बंदे हैं वहाँ, उनकी तरफ से रोड के साथ ही पार्किंग है। और जो ट्रैक है ये इसका 40 मिनट का तकरीबन ट्रैक है, जाते हुए तो आसान है लेकिन वापसी पे काफी मुश्किल है। अच्छा, और क्या टाइमिंग है, किस टाइमिंग में जाना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हो? सर दिन के टाइम में जा सकते हैं, अभी गर्मी है, आजकल के दिनों में तो आवाम बहुत ज्यादा जाती है यहाँ। ये एक जो पौंड पिक्चर में नजर आ रहा है ये पहला पौंड है जो चश्मे के साथ ही है, इसके बाद तकरीबन 4 और पौंड बनते हैं जिनपे इजी एक्सेस। अच्छा, है हाँ जी, गाय वगैरह तो उनमें फिर आवाम स्विमिंग वगैरह कर लेते हैं। अब्दुल्ला ने एक जगह अजान दी है तो मैं वो अब्दुल्ला कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, उनकी अजान शेयर कर रहे हैं। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Beautiful. Abdullah, आप मुझे सुन सकते हैं? अब्दुल्ला आपकी आवाज फिर नहीं आ रही।
अच्छा फरहान थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि अब्दुल्ला ने जहां माशाल्लाह से अजान दी, खूबसूरत अजान, तो ये कौन सी साइट थी जिससे पूरा एक 360 व्यू नजर आ रहा था? सर ये मलोड मंदिर जो आपने दिखाया है थोड़ी देर पहले, ये उसी का व्यू पॉइंट है, उसी के बिल्कुल बिल्कुल ये पहाड़ी के एज पे है मंदिर, और मंदिर से अगली साइड से ये व्यू सारा जो है ना मैदानी इलाके का नीचे नजर आता है। राइट, कुछ पहाड़ है नीचे और साथ ही मोटरवे का व्यू है और फिर नीचे मैदानी इलाका है। राइट। अच्छा ये एक आरा बिशारत है, ये किस जगह है? आड़ा बिशारत जो है ये चौसैदन शाह तहसील के अंदर आता है, और चौसैदन शाह के ये आड़ा जो है ये सरहदी इलाका समझ लें आप, चकवाल का चौसैदन शाह वाली साइड से। हाँ जी, इस पे गवर्नमेंट ने काम किया है। बड़ा 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 ग्रीन और बड़ा रिच इलाका लग रहा है ये, तो यहाँ पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन इस एरिया में छोटे छोटे गाँव ही है, इतने खास बड़े गाँव नहीं है, बड़ा गाँव इस इलाके का सिर्फ एक बिशारत ही है, बाकी छोटे छोटे गाँव ही है। हाँ जी, इस एरिया में गवर्नमेंट ने काफी इस दफा काम किया, ट्रैक वगैरह बनाए हैं तकरीबन, राइट, कुछ पार्किंग प्लेसेस वगैरह बनाई हैं, कुछ सिटिंग एरियाज बनाए हैं। राइट, ये क्या व्यू पॉइंट है, ये थोड़ा सा बताइएगा। सर इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, ये अब्दुल्ला भाई ने पिक्चर शेयर की थी। हाँ, ये कलर कार की ही बनी हुई है। अच्छा, ये व्हाइट पैलेस लग रहा है मुझे, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, व्हाइट पैलेस नहीं है, ये कलर कार का एरिया है, होटल है कोई शायद। अच्छा, कलर कार का एरिया, राइट, ओके। हाँ, चलो हम दूसरे जो आपके डी जी अब्दुल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। अब्दुल्ला आपकी आवाज नहीं आ पा रही, हम चाह तो रहे हैं कि आप कुछ आप कनेक्ट हो। अच्छा, एक और काम हो सकता है अब्दुल्ला, तस्वीरें मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, साथ के साथ आप एक्सप्लेन करते जाइए, आप मेरे मोबाइल पे कॉल कर लें। हाँ अब्दुल्ला, मेरे अभी मोबाइल पे कॉल कर लेते हैं तो हम उनको इधर से कनेक्ट कर लेंगे। जाहिर आपको आवाज आ रही है? आप नहीं, जाहिर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज। अगर आप दोबारा ज्वाइन कर लें तो आपका व्यू पॉइंट भी हम इंक्लूड कर लें। अच्छा, साथ अभी जैसे अब्दुल्ला हमें कॉल करते हैं तो कुछ साइट्स की पिक्चर और हैं तो मैं चाहूंगा वो भी शेयर कर दें। ये उसी से कनेक्टेड चश्मा है? नहीं, ये सिक्की लेक है, ये ऊपर आड़ा बिशारत वाली साइड। अच्छा, ये जी फोन कॉल हमें रिसीव हो गई है तो साथ के साथ उनसे व्यू पॉइंट भी लेते हैं। जी अब्दुल्ला, नहीं आप भाई ये ज्वाइन ही ज्वाइन है आप, तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएं ये आपको। हाँ, फेसबुक पे आप देखते जाएं और मुझे बताते जाएं कि ये साइट कौन कौन सी है। फरहान थोड़ा सा आप भी एक्सप्लेन करो, जैसे अभी ट्वीट कर लेते हैं ना। जी ये स्वेग लेक खंडवा है। शोर जी बताते जाएं फरहान। हाँ जी, ये स्वेग लेक है खंडवा, ये कलर कार से 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में। इसमें गाड़ी जो है वो ऊपर आती है, एक पहली पार्किंग है वहां तक, जो बाइक है वो ज्यादा काफी करीब चली जाती है, नीचे दूसरी पार्किंग है वहां तक, लेकिन गाड़ी जो है वो पहली पार्किंग तक जाएगी, वहां से आगे आप मकामी लोगों ने जीपें चलाना शुरू कर दी है। अच्छा, तो वो नीचे आपको जाना। हाँ जी, जीपें चल रही है वो आपको नीचे ले जाते हैं। नहीं, ये तो फिर अच्छी सहूलत हो गई है ना जो जीपों वाला है, बिकॉज जीप तो पहाड़ों पे अच्छे तरीके से मूव कर जाती है। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी सहूलत है। अगर बाइक है तो बाइक आपकी वैसे ही नीचे माइन तक पहुंच जाएगी, वो आपका काफी डिस्टेंस जो है ना वो कवर कर देते हैं। जो नीचे माइन है उससे आगे 20 मिनट का ट्रैक है, और अगर ऊपर से ट्रैक किया जाए तो वो एक घंटे से ज्यादा टाइम लग जाता है। राइट राइट, बहुत खूबसूरत। अच्छा ये अब्दुल्ला आपने भी ज्वाइन किया हुआ है थोहर का, ये बताइए थोहर है क्या? सॉरी मुझे नहीं, ये आप अगर सामने पिक्चर देख रहे हैं तो ये कौन सा एरिया है? आप फरहान इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब्दुल्ला भी बता जी बिल्कुल, ये चकवाल कैनन्स के नाम से इसका नाम चल रहा है, ये वो एरिया चकवाल का जहाँ जीप रैली हुई थी 2 साल पहले। अच्छा, हाँ जी, ये द्राबी डैम के किनारे का एरिया। वेरी राइट, तो क्या 2 साल के बाद भूल गए? नहीं सर, वो ट्रैक जो बनाया था वो बारिश की वजह से, इसका एरिया ऐसा है कि बारिश की वजह से वो ट्रैक जो है ना वो दोबारा बह जाता है, तो उसके बाद फिर हो नहीं सकी। ठीक हो गया। हाँ जी, जबरदस्त। हाँ अब्दुल्ला फिर दोबारा ज्वाइन किया, अभी देखते हैं कि क्या सिनेरियो। अब्दुल्ला बात कीजिएगा जी, बिल्कुल आवाज आ रही है।
अच्छा अब्दुल्ला, इसकी टूरिज्म के हवाले से अपनी कुछ शेयरिंग दे दें कि किस तरह जो आपने साइट एक्सप्लोर की, हमने शेयर तो कर दी है, तो जो जो हमें देख रहे हैं और चकवाल आना चाहते हैं तो उनको गिनती पे साइट्स भी गिनवाएं और कहाँ कहाँ हैं, कितना दिन लगेंगे देखने में और क्या क्या लेकर आए। राइट, वाओ, नहीं। अच्छा अब्दुल्ला, थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिए कि जैसे फरहान बता रहे हैं कि कुछ एरियाज जो हैं वो 25 किलोमीटर हैं, 20 किलोमीटर है, वहाँ की ड्राइव भी है, कुछ एरियाज में पैदल का रास्ता है, कुछ लगा एरिया में बाइक का रास्ता है, तो उसमें ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जबरदस्त, वाह, यस यस, चले गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही। अब्दुल्ला, माशाल्लाह से आप सारे यूथ जो हैं वो उसको हाईलाइट करने में लगे हुए हैं, तो मुझे बताएं कि जो जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंशियल हैं, चाहे वो पावर इन्फ्लुएंशियल हैं, तो उनके साथ मिलकर कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं की जा सकती जिससे इन एरियाज को प्रमोट किया जाए। राइट, ठीक है, जबरदस्त, राइट राइट, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्वाजा अब्दुल्ला, टाइम काफी हो गया है और थैंक यू वेरी मच ख्वाजा अब्दुल्ला। जाहिर को लेंगे, जाहिर आप हमारे साथ हैं?
जाहिर आप बात कीजिएगा, जाहिर आई एम अफ्रेड आपकी आवाज बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल नहीं कनेक्ट हो सकी। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया फरहान राजा, आपने ज्वाइन किया इतने खूबसूरत तरीके से, चकवाल की जो ब्यूटीज हैं उसको एक्सप्लेन किया, ख्वाजा अब्दुल्ला उसने खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या 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 एक्सपोजर जो अपॉर्चुनिटीज हैं चकवाल को लेके उसको देखा जा सकता है, उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसी तरह हमारे साथ जो है जाहिर महमूद थे, उन्होंने कोशिश बहुत की, माशाल्लाह से उर्दू पॉइंट के एंकर राइटर हैं, ट्रैवलर हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते थे बट अनफॉर्चुनेटली टैक की वजह से नहीं कर सके। राशिद मिनास जो कि माशाल्लाह से चकवाल हेल्थ ट्रस्ट के नाम से काम कर रहे हैं और बच्चों की वेलफेयर और एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया तहे दिल से। अनीसा इस्लाम, उन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की, अगेन टेक इशू था, नहीं कर पाई। सबका तहे दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा या बाद में देखेंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा। और आप भी चाहते हैं कि आपकी सिटी को हाईलाइट किया जाए और आपकी जो यूथ है या जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, लोगों की सपोर्ट के लिए, तो जरूर अपने प्रोफाइल मेरे साथ शेयर कीजिए अपने अपने सिटी को लेके, और हम इंशाल्लाह आपकी सिटी की ड्राइव भी लेंगे, जैसे यूथ कंट्रीब्यूशन टू शाइन चकवाल की बात की है, इस तरह जो भी आपका सिटी होगा हम उसको हाईलाइट करेंगे और उसकी जितनी भी प्रमोशन होगी। अनफोल्ड विद यासिर खान का ये एम है कि हम पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए, पाकिस्तान के लोगों को प्रमोट किया जाए और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन लोगों को स्पेस दी जाए ताकि वो अपने जितने भी उनके अंदर कैपेसिटीज हैं और जितनी भी कॉम्पिटेंसीज हैं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज के लिए चांस मिल सके। तहे दिल से अगेन सबका शुक्रिया। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं उनको आपके साथ शेयर करके सोसाइटी के वो इश्यूज जिनके ऊपर बात नहीं होती बात की जाए, बिकॉज बात करेंगे सोल्यूशन भी निकलेंगे, बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।